कवर्धा जिले के लोहारीडीह मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच कराने की मांग की है। चिट्ठी लिखने के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर पीएम मोदी खुद को साहू समाज का बताते हैं, तो साहू समाज के बेटों की मौत पर उन्हें खड़ा होना चाहिए। राज्य सरकार को प्रधानमंत्री निर्देशित करें और न्याय दिलाएं। उन्होंने मांग की है कि लोहारीडीह मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए, जेल में बंद निर्दोषों महिलाओं को तत्काल निशर्त रिहा किया जाए, पूरे मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता एवं एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोहारीडीह घटना को लेकर, 3 साहू समाज के बेटों की हत्या को लेकर और लगातार साहू समाज और उस पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग लगातार करते आ रहे हैं। इसको लेकर मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें लोहारीडीह घटना का उल्लेख करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए और जेल में बंद निर्दोष महिलाओं को तत्काल रिहा किया जाए और पूरे मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। आदरणीय साथियों, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि जब जब भी छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री जी आते हैं और साहू समाज के बीच में जब भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपका ही साहू समाज का भी बेटा हूँ, साहू समाज से आता हूँ। और आज साहू समाज लगातार प्रताड़ित हो रही है, सरकार से लगातार उनकी हत्या कर दी जा रही है और लगातार साहू समाज के उन पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। इसलिए उनकी ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि आप छत्तीसगढ़ में आके सिर्फ अपनी राजनीति के लिए वोट पाने के लिए साहू समाज को याद करते हैं, लेकिन आज साहू समाज के बेटा बेटी आज न्याय की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन साहू समाज के पीड़ित परिवारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खड़े होना चाहिए और स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए, उस परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये स्पष्ट निर्देशित करेंगे, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। और कहीं ना कहीं हमारे इस पत्र का माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब भी आएगा और कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र पीड़ित परिवार की ओर से और साहू समाज की ओर से एक न्याय की मांग के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं।